उधर आपको बता दें कि सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। वहीं सीएम नायब सैनी पर भी तंज कसा है। इसी के साथ आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने का दावा भी किया। कुमारी शैलजा ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। 10 साल की भाजपा सरकार से मोदी जी से अब तंग आ चुके हैं, सबका जी भर चुका। 10 साल में अब ये नया आगे का भविष्य देखना चाह रहे हैं, क्योंकि 10 साल में केवल खोखली बातें मिली हैं, दिन पुराना होता जा रहा है। सबको पता है शुरुआत इन्होंने की फिर 370 पे आए, अब तो इनको डर ये है कि कहीं इनके साथ इंडिया शाइनिंग ना हो। बस कोई मुद्दा नहीं रहा, कभी मंदिर को लाते हैं, कभी मंदिर को लाते हैं, विकास की बात नहीं, सिवाय और विकास माननीय मुख्यमंत्री जी को कब क्या हुआ था वो तो क्या बोले, लास्ट मिनट कहाँ ला के बिठाया है ना उनको शासन का बेचारे को। तो हमारे तो यहाँ से जहाँ से मैं एमपी रही वहाँ से थी, और उनकी वाइफ भी 4 नंबर की जिला परिषद में आए। माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद को कुछ नहीं मालूम। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि आप भी कांग्रेस में रहे, अशोक तबर भी आपके खेमे में रहे, वह भी अध्यक्ष रहे, कहीं ना कहीं ये तो नहीं है कि अशोक तबर का जब भाजपा की ओर से चुनाव लड़ना था हुड्डा की ओर से आपको चुनाव मैदान में उतार दिया गया ताकि आप उनका एक कांटा कोई ना कोई निकले, विपक्ष के आरोप आज लगाए जा रहे हैं इस पर।